तरह दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं का एक प्रियंका केजरीवाल के पीछे लगा दिया गया है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी अपने एरिया में, अपने मोहल्ला में अनपॉपुलर है ड्यू टू हर बिहेवियर। वो जो कमिटमेंट की थी इधर इस एरिया में, उस कमिटमेंट भी 1% पूरा नहीं है। और अपने और भतीजा का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल स्टेटस मेंटेन करने के लिए पूरा के पूरा हरीश मुखर्जी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट से लेकर पूरा एरिया में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के एनवायरनमेंट है। और इस एरिया में 35 से भी ज़्यादा प्लॉट का ओनर बैनर्जी फैमिली, ये सब मिला के फियर साइकोसिस काम कर रही है। इसलिए ममता बनर्जी पूरा कैबिनेट को, पूरा पार्टी को उतार दिया। कैबिनेट और पार्टी को उतारना स्वाभाविक है, पॉलिटिकल जंग है, वो लोग पॉलिटिकल आदमी है। लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी का लेटर आप देखा, जब ममता इस भवानीपुर का चुनाव करा दीजिए इलेक्शन कमीशन, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉटलनेक हो जाएगा। एक चीफ सेक्रेटरी जो IAS है, जो सत्यमेव जयते के नाम पर काम कर रहा है, वो ममता बनर्जी का चुनाव कराने के लिए इतना कोशिश, इसलिए इसमें पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, माफिया, रुपया, पुलिस, गुंडा सबका साथ हम लोग को लड़ना पड़ेगा। और ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारी, 2019 में अपने बूथ में भी हारी, मित्र इंस्टीट्यूशन में 345 वोट में भाजपा का लीड थी उस वक्त। इसलिए ये सीट भाजपा का सीट है, जनता 60-65% वोटिंग करेगी, ऊपर से नीचे में उतार आएगी, वोटिंग मतदान केंद्र पर जाएगी, तो प्रियंका बंगाल की बेटी प्रियंका जीतेगी।